हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी, वेयर वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो बच्चों, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरे ख्याल से हम दो वैक्टर अगर ले लें ए एंड बी, तो ए एंड बी हमें गिवन है। तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी इज गिवन बाय ए क्रॉस बी। तो इन दोनों, जो दो वेक्टर गिवन है ए एंड बी, इसके परपेंडिकुलर, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, वो वेक्टर क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा। तो डेट मीन्स हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। लेकिन आप चेक करो, एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, फाइंड अ यूनिट। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर कोई वेक्टर लेट से पी है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो रहा होगा, इसका यूनिट वेक्टर निकालने के क्या करते हैं, वेक्टर पी एज इट इज न्यूमरेटर में, और इसको फिर डिवाइड कर देते हैं हम किस से, इस वेक्टर पी के मैग्नीट्यूड से। तो इससे जो वेक्टर आता है वो क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमारा टारगेट है क्या करना, सबसे पहले हम ये ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे, और फिर ए क्रॉस बी को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे ए एंड बी क्या है गिवन क्वेश्चन में, वो पहले लिख लेते हैं। तो ए इज आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप। एंड बी वेक्टर है हमारा, वेक्टर बी गिवन है 3 माइनस 2 प्लस 2। तो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ए क्रॉस बी फाइंड करना है हमें, तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं, तो ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए ऐसे डिटरमिनेंट बना लेते हैं हम, 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। और फर्स्ट रो में हम लिखते हैं i कैप j कैप k कैप। अच्छा, अब सबसे पहले कौन लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है, वेक्टर ए। तो वेक्टर ए के कंपोनेंट्स लिख लेते हैं, आई कैप के नीचे आई कैप के आगे का कोएफिशिएंट वही हो जाएगा हमारा एक्स कंपोनेंट। तो क्या लिखा है यहाँ पर, आई के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, फिर जे के आगे -7 और के आगे +7। सिमिलरली नीचे वाले टर्म में जो सेकंड वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स लिखेंगे, तो 3 -2 -2। अब फर्स्ट रो से मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, तो आई कैप क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये -7 यहाँ से दिखाते हैं ना, ये -7 किससे के साथ होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इससे जो भी आंसर आएगा माइनस, ये -2 और 7 का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो करेंगे हम। तो इसे लिख लेते हैं पहले, ये -7 2 जा, तो ये -14 -7 -2 -14, तो -14 और ये आया +14 हो गया। नाउ -j कैप, अब क्या करें -j कैप के साथ, -j कैप के साथ करना पड़ेगा हमें ये सर, ये 1 और ये 2, देन ये 3 एंड ये 7, ठीक है, वो एलिमेंट्स बच गए ना। जे कैप का मतलब क्या होता है कि भाई जे कैप किस रो में है, फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को हटा दो, किस कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है तो सेकंड कॉलम को हटा दो। जब दोनों को हटा देंगे तो क्या देखेंगे हमें, 1 7 3 2 देखेंगे, बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है सिंपल शब्दों में। तो वही करते हैं डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए। तो 1 2 2 -7 3 21 प्लस k कैप, तो k कैप कहाँ पर है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम में, दोनों को छुपा दो तो क्या मिल जाएगा, 1 -7 3 -2, बस इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आप तो ऐसे याद रखो, ये हो जाएगा -2 माइनस, और बीच में क्या लगाना होता है, माइनस लगाना होता है, 3 मल्टीप्लाइड में -7, तो ये हो जाएगा -21 -21, और ये 20 माइनस तो ऑलरेडी आगे था ही, तो ये हो जाएगा +21। चेक करते हैं इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो -14 +14, तो ये तो 0 आ गया, तो 0 i कैप। 2 -21, तो ये -19, और आगे भी माइनस है तो प्लस का 19 j कैप। यहाँ पर चेक करो, 21 -2 तो 19, तो 19 k कैप। ये आ गई मेरी a क्रॉस b की वैल्यू। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आखिर में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, एक्स कॉम्पोनेंट क्या है 0 इसका स्क्वायर, प्लस वाई कॉम्पोनेंट क्या है 19 इसका स्क्वायर, प्लस जेड कॉम्पोनेंट क्या है 19 इसका स्क्वायर।
सबके स्क्वायर को ऐड किया और फिर पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिख लिया, जो कि मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होता है। अच्छा, 19 का स्क्वायर अभी नहीं निकालेंगे, इसको पहले ऐसे लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 19 का स्क्वायर। तो चेक करो क्या आ रहा है, ये 19 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो ये 19 बाहर आ जाएगा और ये √2, तो ये हो जाएगा 19√2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज, तो इसकी ये वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए क्रॉस बी की वैल्यू हमने फाइंड की, 0i कैप प्लस 19j कैप प्लस 19k कैप डिवाइडेड बाय 19√2। चेक कर लेते हैं वैल्यू, यस 0 19 19 सही है। तो अब सिंपलीफाई करने पे क्या रहा है, 0 डिवाइड बाय 19√2 तो ये 0i कैप, 19 डिवाइड बाय 19√2 तो ये 1/√2, जे कैप 19 डिवाइड बाय 19√2 तो अगेन ये 1/√2, के कैप। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।